नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल रॉयट क्राफ्ट में। और ये हमारा डे 11 ऑफ 100 डेज ऑफ क्विलिंग चैलेंज। और आज यहाँ पर मेरे हाथ में है दो स्ट्रिप्स, एक है ब्लैक और एक है क्रीम। और आज इससे हम बनाने वाले हैं एक क्विलिंग कॉम पैटर्न। ये पैटर्न मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, इसे कुछ इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। कॉम के अंदर दोनों स्ट्रिप्स को लेना है और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। उसके बाद वापस से उसी स्पेस पे जाके दो कॉम के टीच छोड़कर उससे आगे जाना है। फिर इसके ऊपर से आपको फेविकॉल अप्लाई करना है, उसके बाद इसे पेस्ट कर देना है। वापस सेम स्पेस में आके दो कॉम टीच छोड़ के आगे जाना है और उसके बाद फिर से आपको ग्लू अप्लाई करना है। और यही सेम पैटर्न आपको रिपीट करते जाना है जब तक कि आपकी स्ट्रिप खत्म नहीं हो जाती, और फाइनल तक आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। और मैं आपको कह रही थी कि इसी टाइप का पैटर्न मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ 100 डेज ऑफ क्विलिंग चैलेंज में ही, तो आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। और वहां पर जो हमने बनाया था वो था एक इयररिंग, और आज भी हम एक इयररिंग ही बनाने वाले हैं, लेकिन आज का इयररिंग होगा कुछ डिफरेंट। और आप कंपेयर कर सकते हैं बाद में, और आपको जो भी स्टाइल पसंद आए उन दोनों में से कोई भी स्टाइल पिक करके आप बना सकते हैं, और या फिर दोनों ही स्टाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा कॉम का पैटर्न है यहाँ पर वो फिनिश हो गया है, और ये फाइनल मेरा टर्न है। और उसके बाद इसे आपको कॉम में से निकाल लेना है और ऐसे करके पेस्ट कर लेना है। और इसी तरीके से सेम पैटर्न से ही दूसरा एक और सेम डिज़ाइन मैं क्रिएट कर लूँगी, कॉम से निकालूंगी, और इस तरीके से ये दो पैटर्न्स मेरे पास रेडी हैं। अब इन दोनों पैटर्न्स को मुझे आपस में ही पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इन पैटर्न्स को पेस्ट करने के बाद आप देखोगे कि दो पैटर्न को पेस्ट करके एक बहुत ही सुंदर पैटर्न आप लोगों के सामने रेडी है। और अब यहाँ पर मुझे इसे कवर करना है एक डिफरेंट स्ट्रिप से, जो की है ब्लैक कलर की स्ट्रिप। तो मैं इसे ब्लैक कलर की स्ट्रिप से कवर कर रही हूँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। और आप ये जो सामने बटरफ्लाई देख रहे हैं ना, ये भी हमने इसी चैलेंज में बनाई है, तो इसे भी जाके जरूर सीखिएगा। और इस तरीके से आपके पास दो इयररिंग्स रेडी होंगे, और उसके बाद आपको सिंपल इनमें हुक प्लेस करना है, एंड दीज आर रेडी टू वियर। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि इसमें आप लोग कोटिंग भी कर सकते हैं। कोटिंग से क्या होगा कि ये इयररिंग आपका सेफ हो जाएगा, और अगर गर्मी में स्वेटिंग या हल्का फुल्का वेट हो जाए तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये थे हमारे आज के ब्यूटीफुल इयररिंग। अब मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।